बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है कि बिग बॉस के घर से लवकेश कटारिया को इविक्ट कर दिया गया है। जैसे कि कुछ देर पहले न्यूज आई थी कि अरमान मलिक को भी इविक्ट कर दिया गया, लेकिन उनको जनता के वोटों से इविक्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, घर के अंदर चार कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड थे, जिसपे वोट के अकॉर्डिंग अरमान मलिक को इविक्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है कि लवकेश कटारिया को भी इविक्ट कर दिया गया, लेकिन उनको यहाँ पे जनता के वोटों से नहीं बल्कि घर वालों ने इविक्ट करा है। जैसे कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि बिग बॉस कुछ ना कुछ चाल चलने की कोशिश कर रही थी, जो डिजर्विंग था उनको निकालने की कोशिश शुरू से करी है या फिर उनको गलत साबित करने का कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे फिर से लवकेश कटारिया को बिग बॉस ने अपने जाल में फंसा कर कोई ना कोई चाल चलकर उन्होंने लवकेश कटारिया को घर से बेघर कर दिया। यहाँ पे बड़ी बात यह है कि लवकेश कटारिया को जनता के वोटों के अनुसार से नहीं निकाला गया, उनको घर वाले के वोटों के अनुसार से निकाल दिया गया है। और घर के अंदर जो भी लोग है वो लोग तो शुरू से ही चाहते थे कि लवकेश कटारिया इस गेम से बाहर निकल जाए। तो बाकी कई जिसपे आप लोग का क्या कहना है, इधर कटारिया को विनर बनाने के लिए मीटअप रखा गया, बट अभी ये बड़ी न्यूज आ रही है कि उनको निकाल दिया गया। हालांकि इस पे भी एलविस यादव और उनके टीममेट्स की तरफ से कोई भी रिएक्शन या फिर रिप्लाई नहीं आई है। बाकी यहाँ पे एलविस यादव और उनके टीममेट्स की तरफ से कुछ भी रिप्लाई आती है आप लोग को जरूर अपडेट कर दूंगा। बाकी का जिसपे आप लोगों का क्या कहना है, इस पे आप लोग अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। सो अभी